अनूपपुर जिला अस्पताल के सामने जिले के 282 पंचायत के कर्मचारी और अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 22 जुलाई से बैठे हैं। आंदोलन को गति देने और जिम्मेदारों तक अपनी आवाज पहुंचाने अब मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विसाहूलाल सिंह को आज ज्ञापन सौंपा है। निमितीकरण, वार्षिक अनुबंध, नवीनीकरण सिस्टम को बंद कराने और महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी जैसे अन्य मांगों को लेकर संपूर्ण जिले का पंचायत अमला सरकार के खिलाफ लामबंद है। इस दरमियान पंचायतों में ताला जड़ा हुआ है और पंचायत वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिथिलेश पटेल की ये रिपोर्ट देखिए। संविदा कर्मचारी ग्रामीण विकास विभाग का मांग है, समस्त संविदा कर्मचारी विभाग को विभागीय सेटअप में नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक के लिए 5 जून 2018 की संविदा नीति लागू करते हुए सेवा अवधि के अनुसार वेतन की गणना करते हुए नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90% का लाभ दिया जाए। समस्त नियमित कर्मचारी ग्रामीण विकास विभाग के वेतन की संगीत दूर करते हुए समस्त जनपद एवं जिला पंचायत के नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन मान का लाभ दिया जाए। योजना समाप्त होते तक होने पर संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों को अन्य योजना में समकक्ष पदों के नियोजित किए जाए एवं पूर्व में इस तरह की निकाले गए सभी मेरे सचिव साथियों, रोजगार सहायक, आपके सब संगठन के सभी आदरणीय पदाधिकारी, वैसे तो मुझे जो दायित्व सौंपा गया है खाद्य नागरिक और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का, परंतु उसके साथ साथ मैं अनूपपुर जिला का निवासी हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि अनूपपुर के निवासी होने के बाद भी एक बार आप लोगों ने मुझे इस मुद्दे पर अवगत नहीं कराया, ना कोई ज्ञापन दिया, जबकि आप सब लोग परिवार के आदमी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। अगर पूर्व में यह सब मुद्दा मुझे अवगत करा देते तो मैं शासन स्तर पर इसे निराकरण करने का प्रयास करता। ये हमको आप लोगों ने थोड़ा सा भूल किया, देर आए दुरुस्त आए। आज आपने जो बातें मेरे समक्ष रखा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अब आपके विभाग के मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास के पास जो उचित मुद्दे होंगे, आपके मांग होंगे, उनको कैबिनेट में रखूंगा, पूरा करने का प्रयास करूंगा। इनको लेकर आप हड़ताल पर बैठे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 घटकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर 19 और 20 तारीख 2 दिन का सामूहिक अवकाश दे रहे हैं। इसके बाद 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग आ गए हैं और जिसको हमने पूर्व में ही शासन को अवगत भी करा चुके थे। हमारी छोटी छोटी मांगें हैं, हमारा कोई हट के मांग नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहले भी थे, उन्होंने 2013 में एक नीति लाई थी ग्राम रोजगार सहायक के लिए, हम सहायक सचिव भी सम्मिलन करना है। हमारा मात्र वही मांग है कि जो आपने कहा था उसको आप लाइन पे ला दीजिए, उसको पूरा कर दीजिए। हमारी पूरी मांगें अनार्थिक है, आर्थिक भार कहीं पे शासन को नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग आज हमें पता चला कि हमारे माननीय खाद्य मंत्री जो हमारे जिले के पूर्व में पालक मंत्री रहे और हमारे जिले के ही निवासी मंत्री हैं, उन कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको हमने आज ज्ञापन दिया और अपने पूरे संगठन के साथ पूरे दल बल के साथ ज्ञापन दिया। ये स्ट्राइक कब तक चलेगी? ये स्ट्राइक श्रीमान जी अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारे प्रदेश संगठन से कोई सार्थक निर्णय नहीं मिल जाता, सार्थक कोई आदेश निर्देश हमको प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हमारी यह स्ट्राइक अनंत समय तक के लिए अनिश्चितकालीन जारी रहेगी।